कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। भारत में भी पिछले 55 दिनों से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। अगर हम बात करें कान्हा की नगरी मथुरा की, तो यहाँ वृंदावन, गोवर्धन गोकुल, दाऊजी ब्रजभूमि के सभी तीर्थ पुरोहित, पंडा पुजारी मंदिर देवालय बंद होने से काफी हद तक परेशान हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए ब्रज अधिकारी संरक्षण समिति ने आवाज उठाई। समिति के द्वारा 7 सूत्रीय मांगे शासन प्रशासन के सामने रखी गई। ब्रज अधिकारी संरक्षण समिति के सदस्यों का कहना है कि वे समस्या पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, जिनमें उन सभी समस्याओं को प्रदर्शित कर धार्मिक व्यवसाय से जुड़े लोगों की पीड़ा को दिखा सकेंगे, जिसको लेकर उन लोगों ने शासन से पुरोहितों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। बहुत परेशानी आ रही है, अब धंधा भी बंद हो चुका है और घाटों पे भी कोई पब्लिक नहीं है, मंदिर भी बंद हो चुके हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग तो गरीब आदमी, इसी पे आशा है। और प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि इनके लिए, नाव वाले के लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए। कोरोना महामारी के कारण जो देवालय मंदिर बंद कर दिए गए हैं, इसके कारण बहुत लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, स्थिति बड़ी दयनीय है। मंदिर, आश्रम, अतिथि भवन सब जगह कोई भी नहीं आ रहा है। इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। एक देवालय से जहां मंदिर में पुजारी जुड़ा हुआ है, वहां मंदिर के बाहर एक फूल माली भी जुड़ा हुआ है। मंदिर दर्शन करने के लिए ही लोग मथुरा जनपद के वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, नंदगांव, बरसाना आदि विभिन्न स्थानों पर आते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोजगार को लोग लाभान्वित रोजगार से होते हैं। तो मेरा मानना है कि श्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो बहुत बड़ा बजट बनाया है जनता को राहत देने के लिए, उसमें मंदिर से जुड़े हुए पुजारी हों या वहाँ के आचार्य हों, गोसाई हों, सेवायत हों, चाहे जमुना जी में नौका विहार कराने वाला मल्ला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो जो मंदिर तक ले जाता है, जो भी जिस प्रकार से यहाँ ब्रचौरासी कोष में जुड़ा हुआ है और उसको रोजगार मंदिरों के कारण मिल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।